Today we are going to see 2.2 Indian Weavers, which is written by Sarojini Naidu. And first of all, before starting the poem, we will see the ice breakers. Who were artisans? Artisans means karigar kaun the? Artisans were the skilled workers and makers of handicraft goods during the Edo period. They were labeled a separate class beneath the samurai and farmers, but above the merchants. कारीगर कौन थे? एडो अवधि के दौरान कारीगर हस्तकला सामान के कुशल श्रमिक और निर्माता थे. उन्हें समुराय और किसानों के नीचे एक अलग वर्ग का लेबल दिया गया था, लेकिन व्यापारियों से ऊपर. आर्टिसंस आर ऑल्सो कॉल्ड क्राफ्ट्समैन. दे आर क्रिएटर्स ऑफ डाइवर्स गुड्स and use their hands to create unique functional and also decorative items using traditional techniques. Now complete the web given below. मतलब यहाँ का आगे artisans को craftsmen भी कहा गया है. वो अलग अलग चीज़ों से अपनी हस्तकला traditional तरीके से अब decorative items बनाते थे. Different types of artisans, ऐसे ही कुछ artisans आपको लिखने हैं. पहला दिया है goldsmith. सेकेंड वन इज़ ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, नेल स्मिथ, शू मेकर, पॉटर एंड टेलर. वी विल सी द वन बाय वन इन डिटेल. तो ब्लैक स्मिथ यानी क्या? ब्लैक स्मिथ यानी जनरली लोहार होता है, जो लोहे को गर्म करता है और फिर हथौड़ी हैमर की मदद से उसे जो चाहे वो आकार उसे वो दे सकते हैं. और ब्लैक स्मिथ इज़ अ मेटल स्मिथ who creates objects from wrought iron or steel by forging the metal using tools to hammer, bend and cut. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लॉकस्मिथ. लॉकस्मिथ यानी कोई भी तरह के लॉक को रिपेयर करने वाला, बनाने वाला, उसे फिट करने वाला, उसे हम लॉकस्मिथ कहते हैं. A locksmith is a person who works with locks, कीज यानी चाबी, एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स. लॉक स्मिथिंग इज द प्रोफेशन ऑफ अ लॉक स्मिथ. एक लॉक स्मिथ का प्रोफेशन होता है. लॉक स्मिथ फिक्सेस ब्रोकन लॉक्स, टूटे हुए ताले फिक्स करता है. मेक कीज चाबियाँ बनाता है. एंड इंस्टॉल सिक्योरिटी सिस्टम्स, और सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि अलार्म्स. नीचे पिक्चर दिया गया है. नेक्स्ट वन इज़ शू मेकिंग. पहले शू मेकिंग भी एक बहुत ही कारीगरी का, और अलग अलग शू ग्रुप में शूज़ मेकिंग किया जाता था. शू मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फुटवेयर. ओरिजिनली शूज़ वर मेड वन एट अ टाइम बाय हैंड्स, ऑफन बाय ग्रुप्स ऑफ शू मेकर. पहले शू मेकर्स अकेले अकेले शूज़ नहीं बनाते थे, उनका ग्रुप होता था. अब नेक्स्ट आर्टिसन है जो हमने लिखा है आंसर में, वो है पॉटर. अलग अलग टाइप के मटके, पॉटर, डिशेस, बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से जो बनती है उसे कहते हैं पॉटर और पॉटरी मेकर. अ पॉटर और पॉटरी मेकर इज़ अ क्राफ्ट आर्टिस्ट हु यूजेस देयर आर्टिस्टिक टैलेंट्स टू क्रिएट पॉट्स, डिशेस, मग्स, बेसिस एंड अदर टाइप्स ऑफ आर्ट वर्क्स. मोस्ट पॉटर्स क्रिएट फंक्शनल पीसेस. फंक्शनल पीसेस यानी बहुत ही जो रेयर हमें दिखाई देते हैं, दैट आर मेंट टू बी पुट टू एवरी डे यूज़, जो हमें दैनंदिन जीवन में यूज़ में काम आते हैं. नेक्स्ट है टेलर, जो कपड़े सीते हैं. कपड़े सीने में भी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं टेलर. अ टेलर इज़ अ पर्सन हु मेक्स, रिपेयर्स और अल्टर्स क्लोदिंग प्रोफेशनली. जो एकदम सही तरीके से कोई भी तरह के कपड़े को रिपेयर कर सकता है, अल्टर कर सकता है, स्पेशली सूट्स एंड मेन्स क्लोदिंग. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ टेलर.
Discuss with your partner the seasons, occasions when we need woolen clothes. We wear woolen clothes in winter because air is a poor conductor of heat and woolen clothes do not allow the transfer of body heat to the environment and keep us warm. The wool is structured so there is air trapped inside. Air is a very good insulator. Dusra hai casual wear. Casual wear is a western dress code that is relaxed, occasional, spontaneous and suited for everyday use. When emphasizing casual wear's comfort, it may be referred to as leisure wear. While casual is informal in the sense of not formal. Informal attire traditionally refers to a western dress code associated with suits, a step below semi-formal attire, thus being more formal than casual attire. Next is C. Rich silk clothes. सिल्क के कपड़े हम जनरली कब पहनते हैं? सिल्क एक बहुत ही अपोजिट टाइप का इंसुलेटर होता है. ठंडी में गर्मी दिलाता है, गर्मी में ठंडी दिलाता है. बहुत ही उसका लुक एलिगेंट होता है, रिच लुक होता है. छोटे मोटे फंक्शंस में या वेडिंग्स जैसे फंक्शंस में भी हम इसे पहन सकते हैं. सिल्क इज सच अ स्मूथ, कंफर्टेबल एंड रिच फैब्रिक, सो यू कैन वेयर इट फॉर एनी स्मॉल फंक्शन or also a big ceremony like wedding. Because of its elegant look, you look beautiful, more beautiful and feel comfortable also. Now moving towards the next, that is colorful and comfortable clothes. अब colorful comfortable clothes क्या होता है? Generally हमें पता है कि light color के clothes हम समर सीजन में पहनते हैं, डार्क कलर के क्लोथ्स हम विंटर सीजन में पहनते हैं और वुलन क्लोथ्स हम ठंडी के सीजन में पहनते हैं. वी वियर वाइट ऑन लाइट कलर क्लोथ्स इन समर बिकॉज लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट, सो वी डोंट फील हॉट. डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर ऑफन वियर्ड इन winter season because more heat is absorbed by this type of clothes. So here in autumn we wear dress, denim jacket, heels. In winter season we wear this type of clothes. In spring season dungarees, tracksuit, skirt. Then in summer season mini skirt, cap, flip flop, etc. All these are the pictures given which we wear in the different type of four seasons. Let's play a game. The teacher will ask the students some questions. Students will understand that there are some exceptions to the general rules. Let's start. One who weaves is a weaver, sings is a singer, teaches is a teacher, plays a game is a gamer, one who dances is a dancer and one who cooks is a chef. तो यहाँ पे नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है. वी हैव ऑफन सीन द पिक्चर ऑफ गांधी जी स्पिनिंग ऑन हिज चरखा, डिस्कस द रीज़न बिहाइंड दिस. वन हैज़ बीन गिवन फॉर यू टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न देयर लाइवलीहुड, ये पहला रीज़न. सेकेंड है दे होप्ड द चरखा वुड असिस्ट द पीपल ऑफ इंडिया अचीव सेल्फ सफिशियंसी एंड इंडिपेंडेंस and therefore use the charkha as a symbol of the Indian independence movement. C. Mahatma Gandhi initiated the Swadeshi movement by taking up the charkha and encouraging the Indians to spin their own cloth. The charkha became a symbol of self-sufficiency and freedom, so much so that the first Indian flag designed had the charkha etched in the middle, which was later replaced by the Ashoka Chakra. Name some tools used by the weavers. Tools यानि frame loom, warp yarn, tapestry needle and shade stick. All these are the tools which were used by the weavers. Name some types of yarns used by the weavers. कौन कौन से टाइप के यार्न, कपड़े या धागे वो यूज़ करते थे. Synthetic fiber base yarns include nylon, polyester and rayon. Second है cotton from cotton plant, hemp, then silk from silkworms and sheep's
wolves. So here we end our Indian Weavers Icebreakers written by Sarojini Naidu. Thank you for your interest. If you like the content, please like, share and follow my channel Learn English. Good luck, work hard, you will make it.